वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हम हीरो एक्सट्रीम जो है रिव्यू कर रहे हैं, एंड उसको फर्स्ट टाइम मैं चला के देखूंगा कि कैसी है। मैंने ओल्ड वाली चला के देखी है जो स्पोक में आती थी, एंड उसके बाद जो दूसरी एक्सट्रीम आई थी वो भी पड़ती है जो 200 है, ये मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो आप ये देख रहे होंगे, तो ये जो गाड़ी है ये मेरे फ्रेंड है अभिषेक, हाय कर दे अभी, इसकी है। इसके पास पहले साइन थी, होंडा साइन, तो जो इसने सेल आउट कर लिया है, बट जो ये 200 CC की है ये काफ़ी सही लगी मुझे दिखने में भी। तो अभी हम इसकी जो है वीडियो देखेंगे, एंड जो राइड करके देखूंगा मैं इसकी जो पावर है वो कैसी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, गाड़ी रख रखी है अंदर, आप देख सकते हैं। अभी जो है इसके हम कुछ सिनेमेटिक शॉट लेंगे, तो आप ज़रूर देखना इन सबको। एंड जो अभी पहले भाई को गाड़ी बाहर निकालने देते हैं, बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं, एंड किन किन चीज़ों पर ये गाड़ी थोड़ा अच्छी लगती है। सो गाइज, आप देख रहे होंगे ये साइड व्यू है इस एक्सट्रीम का, 200 एक्सट्रीम आर का। गाड़ी जो है फुल्ली ABS के साथ है, एंड ये 200 हीरो की फर्स्ट टाइम जो है ABS के साथ आई है। जो एक्सट्रीम है ये फर्स्ट ABS गाड़ी है इनकी, एंड जो आप लाइट देख रहे हैं बैक की, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। डिस्प्ले जो है बहुत अच्छा काम किया गया है डिस्प्ले में। बैली का लुक काफी बढ़िया दिया गया है नीचे से, जो एरोडायनामिक टाइप का है। एंड ये 200 आर की ब्रांडिंग जो काफी अच्छी लग रही है इस गाड़ी पे जो साइड से। एंड ये इसका जो है ऊपर से सीट का आप देख रहे होंगे स्लोप, जो सीट का स्लोप है वो काफी अच्छा है जो बैक राइडर है उसके लिए भी। इसमें जो है फिसलने का थोड़ा खतरा जो है इसका कम रहता है ब्रेक मारने पर आगे की तरफ को। एंड जो एग्जॉस्ट नॉट देख रहे होंगे आप, इससे बहुत मोटी साउंड निकलती है, जो इसका होल्स है आप देख रहे होंगे। एंड गाड़ी जो है फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक है, मोनो सस्पेंशन के साथ है। एंड जो ये आप देख रहे हैं ये है रियर डिस्क ब्रेक की ऑयल बॉक्स। सो फ्रेंड्स, अभी जो है टेस्ट राइड लेते हैं, एंड फिर आपको बताता हूँ इसका गाड़ी का रिव्यू कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो इसके गियर है उसमें जो है गाड़ी कैसा पिकअप दे रही है।
फ्रेंड्स जो इसकी फर्स्ट और सेकंड गियर में जो पिकअप की पावर थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी एंड 200 सेगमेंट के लायक है इसकी। मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि जो पल्सर 200 है या KTM ड्यूक है उनके मुकाबले, क्योंकि जो ये बाइक है ये बजाज की पल्सर और KTM की ड्यूक इन दोनों के कॉम्पीट की नहीं है। जो इसका मेन कॉम्पिटिटर है वो है TVS की अपाचे 200, वो इसकी कॉम्पिटिशन की बाइक है कि ऑयल कूलेंट नहीं है। बाकी जो पल्सर है ड्यूक जो है वो जो है ऑयल कूलेंट में आती है, और जो TVS की अपाची है वो भी बिना ऑयल कूलेंट की है एंड ये भी। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पीट की, एंड इन दोनों के रिव्यू आप यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। बहुत से लोगों ने इन दोनों के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, इन दोनों के कंपेयर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये ABS में है, हीरो की जो फर्स्ट बाइक है वो ABS के अंदर है एंड 200cc में जो उसकी गाड़ी है, तो स्पोर्ट्स और एवरेज दोनों को मिला के ये गाड़ी बना रही है। सो होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, उससे आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएंगे। तो अगली वीडियो तक सीट बेल्ट पहन के ड्राइविंग कीजिए, हेलमेट लगा के राइडिंग कीजिए, ड्रिंक एंड ड्राइव को अवॉइड करें, सुरक्षित चलें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें।